सत्ता की खीर नहीं कहा करते, खीर तो दूध से बनती है और दूध भाई किसान लोगों के पास है और किसान वर्ग चाहे वो, अब मैं तो अपना बता सकता हूँ, गुजर बिरादरी से मैं आता हूँ, हमारे पास तो भाई दूध के बिना कुछ होता ही नहीं। ऐसी यादव परिवार है, यादव कुल भी और ऐसी चौधरियों का है, तो भाई जहाँ दूध हो खीर वहाँ अपने आप ही हो, तो उस बात को इंटरप्रेट अपने हिसाब से करना पड़ेगा। बिल्कुल है, और उसका रिजल्ट निकला वही तो सामने इनके दिख रहा है, इन्हें शीशा दिख रहा है कि ये इतिहास जो है पूरे पश्चिम में और पूरे उत्तर प्रदेश में ना दोहराया जाए। हमारे साथ है विधायक आरएलडी से विधायक चंदन चौहान जी, हमारे साथ है दिल्ली जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद की जो भीम आर्मी है उनको समर्थन देने पहुंचे हैं। सीबीआई की मांग यहाँ जोर शोर से चल रही है, सभी गठबंधन के जितने भी दल हैं सभी आज यहाँ पहुँचे, चंदन जी भी पहुँचे, इनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे देखते हैं आप यहाँ आज समर्थन देने पहुँचे? देखिए आज ऐतिहासिक जन समर्थन, चंद्रशेखर जी के ऊपर जो एक अन्यायपूर्ण हमला हुआ उसके खिलाफ आक्रोश जो सर्व समाज के अंदर है वो जंतर मंतर पे देखने को मिल सकता है। सर्व समाज की सरदारी हमारे नेता माने जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है, देश की विभिन्न पार्टियों ने समर्थन किया है, बादल जी आप देख सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आज मंच पे हैं। ये एक साफ संकेत है कि अन्याय के खिलाफ सब एकजुट हैं, इंडिया एक है और इंडिया के खिलाफ है, और आने वाले समय में 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम आपके माध्यम से भी राष्ट्रपति महोदय को भी आप हम ज्ञापन यहाँ से देने का काम करेंगे, चंद्रशेखर रावण जो धरोहर है समाज का उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, यही मांग माने जयंत चौधरी जी की, यही अखिलेश जी की और यही तमाम पार्टियों की है। आप वकील भी रहे चंदन जी, तब गिरफ्तारी हो चुकी है, ट्रायल चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता कि जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक हथकंडा है, अब यहाँ भीड़ दिखाने का, ताकत दिखाने का, गठबंधन की ताकत दिखाने का, जिस तरह के बयान आपको पता होगा हमले के बाद समाज में द्वेष पैदा करने के लिए लगातार दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है और इस साजिशों का पर्दाफाश होना सभ्य समाज के अंदर बहुत आवश्यक है। इसलिए हम प्रदेश सरकार की जांच एजेंसी नहीं, हम सीबीआई से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच कराएं, सरकार तो सीबीआई जांच बहुत कराती है, एक इस विषय में और करा दें, सुरक्षा उपलब्ध करा दें। क्यों भाई ये गरीब लोग जो हैं जो संघर्ष करके निकले हुए नेता हैं वो क्या सुरक्षा के अधिकारी नहीं है? उनकी जान की भी उतनी कीमत है। हम आशा करते हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पूरी विरासत, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की पूरी विरासत आज चंद्रशेखर जी के साथ है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की पूरी विरासत धरोहर हो जो हैं वो साथ हैं, कमज़ोर वर्ग मजबूती के साथ किस तरह देश में अपना स्थान बनाएगा वो ये धरना इस तरह के आंदोलन वो सुनिश्चित करते हैं। आप यूथ आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संगठन में आप देखभाल भी कर रहे हैं, देश भर में घूम भी रहे हैं, एक ये सवाल जयंत जी का ट्वीट आता है, खिचड़ी खाओ, पुलाव खाओ, जो बिरयानी खाओ, जब जो पसंद है वो खाओ, लेकिन जब चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। अब राजनीतिक पंडित उसको दूसरी ओर ले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सत्ता की खीर का इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएलडी बीजेपी के साथ जा सकते हैं 2024 से पहले। देखिए सत्ता की खीर नहीं कहा करते, खीर तो दूध से बनती है और दूध भाई किसान लोगों के पास है और किसान वर्ग चाहे वो, अब मैं तो अपना बता सकता हूँ, गुजर बिरादरी से मैं आता हूँ, हमारे पास तो भाई दूध के बिना कुछ होता ही नहीं। ऐसी यादव परिवार है, यादव कुल भी और ऐसी चौधरियों का है, तो भाई जहाँ दूध हो खीर वहाँ अपने आप ही हो, तो उस बात को इंटरप्रेट अपने हिसाब से करना पड़ेगा, किस लोगों की खीर कहाँ मिलेगी। मैच अफवाह है, अफवाह है। अब चौधरी साहब बेंगलोर गए हैं और एक मजबूत विपक्ष का नारा देके 26 पार्टियों का गठबंधन है और आने वाले 2024 के अंदर आपको देखने का मिलेगा किसान कमेरा वर्ग मिलके, दलित अल्पसंख्यक पिछड़े अगड़े सब मिलके इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। चर्चा भी से चल रही है मेरा सांसद चंदन चौहान बिजनौर, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, मुझे गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ने का मौका दिया, मेहनत से सींचने का उसे हमेशा काम किया, ऐसा कोई नया काम नहीं था, हम लोग ठिए की राजनीति करते हैं। मेरे पिता भी सांसद विधायक रहे, मेरे दादा उप मुख्यमंत्री पद तक उस क्षेत्र की जनता ने बनाया, हम लोग 12 महीने राजनीति ठिए से करते हैं, तो कोई विशेष चुनौती हमें नहीं, जिसे हमारी पार्टी कहेगी उसे जिता के भेजने का काम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी जो लक्ष्य तय करेगी उस पर मेहनत से सींचने का काम हमेशा मेरा रहता है। छात्र आरएलडी विधायक मदन भैया जी से बातचीत करेंगे, खतौली से विधायक है, ये भी आज जंतर मंतर पर चंद्रशेखर के महाआंदोलन में समर्थन देने के लिए पूरा आरएलडी ग्रुप पहुंचा है, इनसे बातचीत करें। सर कैसे देखते हैं आज के आंदोलन? नहीं देखे, बहुजन समाज के पे चंद्रशेखर पे हमला नहीं हुआ, तो बहुजन समाज पे हमला हुआ है, बहुजन समाज का एक मतलब एक मजबूत नेता है, तो उसके लिए इसीलिए आपने देखा होगा कि लगभग विपक्ष के सारे दल जो समर्थन कर रहे हैं,
लेकिन उनको गिरफ्तारी हो चुकी है, कहना है सरकार का कि गिरफ्तारी हो चुकी है जो तीन बंदे पीछे, पीछे का सच सामना आना चाहिए ना, इसके पीछे कौन है, हमला कराया किसने? आरएलडी का समर्थन, क्योंकि आपका तो गठबंधन का साथ ही रहे हैं, हमने चुनाव में भी देखा, उपचुनाव में खतौली से आप जब चुनाव लड़े इनका पूरा समर्थन आपके साथ रहा था। नहीं बिल्कुल है, और उसका रिजल्ट निकला वही तो सामने इनके दिख रहा है, इन्हें शीशा दिख रहा है कि ये इतिहास जो है पूरे पश्चिम में और पूरे उत्तर प्रदेश में ना दोहराया जाए। लेकिन बार बार एक जिक्र ये भी चल रहा है पिछले कई दिनों से, जब तक जयंत जी का एक ट्वीट आया था वो खीर को लेकर चावल को लेकर के बिरयानी खाओ, चावल खाओ, खिचड़ी खाओ, जब चावल जो पसंद है वो खाओ, अगर चावल ही खाने तो फिर खीर खाओ, कुछ राजनीतिक पंडित उसको कहने दीजिए, ये तो देखिए मीडिया पर कब जाए उनका, उस बात मत कमाइए।